तारीखों तक किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स रिलीफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। साथियों, हमारी सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ 50 करोड़ गरीबों को मिलना सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 21 करोड़ गरीबों को मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का लाभ 9 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से 1.5 करोड़ परिवारों को उनके अपने पक्के घर मिले हैं। अब इस बजट में 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को, 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर परिवारों को और 30-40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है। साथियों, सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी रिकॉर्ड गति से कम हो रही है। लाखों करोड़ों लोग गरीबी को परास्त करके नियो मिडिल क्लास, मिडिल क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। देश का ये बहुत बड़ा वर्ग आज अपने सपने साकार करने में और साथ साथ देश के विकास को गति देने में जुटा हुआ है। ऐसे समय में इस बढ़ते मिडिल क्लास की आशा आकांक्षाओं को, कुछ कर दिखाने के जज्बे को हौसला मिले, उसको सपोर्ट मिले, इसके लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं देश के मिडिल क्लास, सैलरीड मिडिल क्लास को इनकम टैक्स दरों में मिली छूट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग की उदारता ही है, उनकी ईमानदारी ही है, कानून को मानकर चलने की उनकी प्रतिबद्धता ही है जिसकी वजह से देश को टैक्स मिलता है, देश की योजनाएं बनती हैं, गरीब का कल्याण होता है। बरसों से ये मांग रही है कि 5 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त घोषित किया जाए। इतने वर्षों से की जा रही इस मांग को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, किसानों के लिए समय समय पर अलग अलग योजनाएं अलग अलग सरकारों ने बनाई है, लेकिन ऊपरी सतह के 2-3 करोड़ किसानों से ज्यादा किसान इन योजनाओं के दायरे में आए ही नहीं। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यानी जिसे पीएम किसान योजना कहा जा रहा है, उसका लाभ 12 करोड़ से ज्यादा उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से या 5 एकड़ से कम भूमि है। एक प्रकार से आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है।
हमारी सरकार किसानों के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठा रही है। पशुपालन, गौ संवर्धन, मछली पालन जैसे ग्रामीण जीवन और कृषि जीवन से जुड़े अहम क्षेत्रों का भी इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग और मछली पालन का अलग डिपार्टमेंट करोड़ों किसानों को अपनी आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा, मछुआरों की मदद करेगा। हमारा ये पूरा प्रयास है कि किसान को सशक्त करके उसे वो साधन दें, संसाधन दें जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। आज के निर्णयों से इस मिशन को और तेजी मिलेगी। साथियों, आज भारत में अनेक क्षेत्रों में विकास हो रहा है, नए नए प्रकार के क्षेत्रों में, नए नए विस्तारों में, नए नए प्रकार की योजनाओं में प्रगति हो रही है और इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, मजदूरों, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, जिसमें घर काम करने वाले लोग हों या खेतहर मजदूर हो या ठेले चलाने वाले लोग हो, ऐसे समाज का एक बहुत बड़ा तबका है। मेरे भाइयों बहनों, इन मेरे बंधुओं की चिंता कभी नहीं की गई, उन्हें उनके नसीब पर छोड़ दिया गया। हमारे देश में इनकी संख्या अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की संख्या करीब करीब 40-42 करोड़ है। उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना उनके जीवन के उत्तरार्ध, 60 वर्ष की आयु के बाद की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा संबल होगी। उन्हें आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी अनेक योजनाओं का लाभ तो मिलेगा ही, बुढ़ापे में रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए पेंशन भी मिला करेगा। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार देश के हर उस नागरिक को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है जो अब भी कुछ कारणों से विकास का पूरा लाभ नहीं ले पाए हैं। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने के इस प्रयास में सरकार ने घुमंतु समुदायों जैसे मदारी हैं, सपेरा हैं, बंजारा है, गाड़िया लुहार है आदि के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाने का भी फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि सही पहचान होने के बाद सरकार के विकास कार्यों का लाभ इन समुदायों को और तेजी से मिलेगा। साथियों, व्यापारी वर्ग के लिए, ट्रेडर्स के लिए कोई मंत्रालय हो, उस विचार से एक नवी व्यवस्था का विकसित करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। देश के व्यापारी वर्ग, ट्रेडर्स और अनेक कर्मचारियों की आवश्यकताओं को समझते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए DIPP को रिस्ट्रक्चर करके उसे विशेष जिम्मेदारी दी गई है। अब ये विभाग डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के नाम से जाना जाएगा। मुझे प्रसन्नता है कि अगले दशक के अंत तक की आवश्यकताओं को और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भी इस बजट में योजनाओं को समाहित किया गया है। ये बजट गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा, श्रमिकों को सम्मान देगा, मिडिल क्लास के सपनों को साकार करेगा,
ईमानदार टैक्स पेयर का गौरवगान करेगा, ट्रेडर्स को सशक्त करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को गति देगा, अर्थव्यवस्था को नया बल देगा, देश का विश्वास मजबूत करेगा। ये बजट न्यू इंडिया के लक्ष्यों की प्राप्ति में देश के 130 करोड़ लोगों को नई ऊर्जा देगा। ये बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी है, सर्वोत्कर्ष को समर्पित है। मैं एक बार फिर हमारे मित्र अरुण जी को और पीयूष जी को और उनकी टीम को इस उत्तम बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।